हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है सुरेश मधुकर और आप देख रहे हैं एडवांस टेक मधुकर चैनल। तो कैसे हैं गाइस, आप आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज आप लोग के लिए क्राउन कंपनी का कास्ट स्क्रीन कास्ट मिररिंग मोबाइल से कैसे कनेक्ट करना है टीवी को, आज की वीडियो हमारा होने वाला है। चलिए आप देख सकते हैं सामने में हमारा क्राउन टीवी का 40 इंच का हमारा टीवी आ चुका है और ये हमारा इसका रिमोट है। आप देख सकते हैं रिमोट में बहुत सारा बटन हमको दे दिया और सबसे नीचे तरफ आप जब आएंगे तो आपको YouTube के नीचे में एम कास्ट करके दिख जाता है। वो एम कास्ट वाला ही आपका मीटर कास्ट के नाम से आपको क्राउन टीवी में देखने को मिल जाता है। चलिए गाइस, मैं एम कास्ट को एक बार दबा देता हूँ, उसके बाद में आपको मैं दिखा रहा हूँ इसका आगे इंटरफेस कैसे हमको देखने को मिल जाता है। इसको हमको प्रेस करना है एम कास्ट वाले को और आप देख सकते हैं इस टाइप का हमारा काइंड लिंक करके आ गया। और आप देख सकते हैं इसमें हमारे यूजर आईडी का है, डिवाइस का है और सबसे नीचे में आप देख सकते हैं राइट तरफ आपको लोकल डिवाइस नेम करके आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे नीचे में काइंड लिंक का आपका नाम देखने को मिल जाएगा। जब भी मोबाइल से सर्च करेंगे आपका वो नाम आपको सामने में देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉइड 92A8 करके आपका दिख जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपको मोबाइल लेना है। चलिए मैं आपको सामने में दिखा देता हूँ, इस टाइप का एक हमारा मोबाइल आ गया है और मैं अभी इसमें आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। आपको नीचे में स्लाइड करके आना और आपको इस मोबाइल में स्मार्ट मिररिंग करके ऑप्शन आ जाता है, उसके अंदर में आपका स्क्रीन मिररिंग में आपका आप देख सकते हैं स्क्रीन मिररिंग में आ गया और उसको हम चालू कर लिए हैं और यहाँ पर हमारा टीवी का नाम आ जाएगा। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 92A8 करके आपको सामने में देखने को मिल जाता है। आपके जो भी टीवी में आपका जो नाम रहेगा आपका सामने में आपका दिख जाएगा, बस इसी को आपको क्लिक करना है। और आप देख सकते हैं ये हमारे टीवी में यहाँ पर सामने में नाम भी दिया हुआ है और आप जैसे इस मोबाइल में सर्च करेंगे आपका नाम आ जाएगा। वो आप जब भी क्लिक करेंगे इस टाइप का हमारा एक इंटरफेस आ जाता है और ये आपका मोबाइल टीवी से कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद में आप जैसा बैक करेंगे तो आपको बैक हो जाएगा, आप जैसा नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो नेक्स्ट पेज चला जाएगा। फिर मैं होम पेज में आकर एम एक्सप्लेयर को मैं ओपन कर लिया हूँ और इस टाइप का हमारा एक इंटरफेस आ जाता है। आगे उसको मैं बैक कर लिया हूँ और यहाँ पास मैं गैलरी में आ गया हूँ। गैलरी में आने के बाद में आप देख सकते हैं बस हमारा कुछ कुछ फोटोग्राफी आ गया है। ठीक इसी प्रकार से आप अपने एलईडी टीवी को किसी भी मोबाइल से आप कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए इस अलग अलग कंपनी का अलग अलग मोबाइल रहता है और अलग अलग आपका नाम भी रहता है, एम कास्ट रहता है, स्क्रीन कास्ट रहता है, स्क्रीन मिररिंग रहता है, लेकिन सारा प्रोसेस का एक ही काम रहता है कि आपके एलईडी टीवी को मोबाइल से कनेक्ट करना। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। मुस्कुराती है और मेरे साथ में बने रहिए।